मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। चले जाओ तुम यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब? मैं कैसे तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ बोबो? मैं तो बस तुमसे एक सवाल पूछा। तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो बोबो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। थोड़ा अच्छे से बिहेव करो। डूडू, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें सीधी बात दिमाग पर घुसता नहीं है क्या? शायद ये बुबू का दिमाग ही खराब हो गई है। कैसे तरीके से मुझसे बात कर रही है, तुम लोग ही देखो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम रहो। अकेला ही मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाँ हाँ जाओ यहाँ से, बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। जाओ यहाँ से। मैं तो चला आया हूँ, लेकिन मुझे तो भूख लगा है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? अगर मैं बुबू से कहूंगी खाना देने के लिए तो बुबू मुझे फिर से गुस्सा दिखाएगी। अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे बुबू से जाकर पूछना चाहिए कि बुबू ने खाना कुकिंग किया है या नहीं? खाना कहाँ पर रखी है? मैं जाकर पूछता हूँ। बुबू, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने खाना कुकिंग किया है या नहीं? खाना तुमने कहाँ पर रखा है बुबू? ओफ डूडू, तुम फिर से चले आए हो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम फिर से चले आए हो। हाँ बोबू, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगा है। और तुम मुझे बताओ, जाओ जाके खाना खा लो, मैंने कुकिंग कर रखी है। ओके बोबू। नम नम नम, बुबू ने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाई है। नम 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 नम, मुझे ये खाना खा के मजा आ गया। नम 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 नम, मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन क्या बुबू ने खाना खाई है? अगर बुबू का टमी एम्प्टी रहता है तो बुबू ऐसे ही गुस्सा दिखाती है। शायद बुबू ने कुछ भी खाना नहीं खाई है। मैं जाकर पूछ लेता हूँ बुबू से कि बुबू ने खाना खाई है या नहीं। बुबू बेबी, ओ मेरी बुबू बेबी, क्या तुमने खाना खाई है? तुम फिर से चले आए हो डूडू? हाँ बुबू बेबी, मुझे ये जानना था कि तुमने खाना खाई हो या नहीं। नहीं, मैंने आज खाना नहीं खाई हो, क्योंकि मैंने व्रत रखी हो। व्रत रखी हो? कैसी व्रत? मुझे तो कुछ भी नहीं बताया तुमने। हाँ, मैंने तुम्हारे और बुग्गू डुग्गू के भलाई के लिए आज एक व्रत रखी हो, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाई हो। बुबू, इस व्रत का नाम क्या है? हनुमान जी का व्रत। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसा बात है, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि बुबू इतना गुस्सा क्यों है। तुमने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए तो तुम इतना गुस्सा हो रही हो मेरे ऊपर। बुबू, तुमने तो हनुमान जी का व्रत किया है, लेकिन क्या तुम्हें हनुमान चालीसा याद है? हाँ डूडू, मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बुबू।
मैंने तो सोचा था कि तुम सिर्फ खाते हो, तुम हनुमान जी का व्रत भी करते हो, ये मुझे नहीं पता था बूबू। इसका मतलब क्या है डूडू? तुम क्या बताना चाहते हो? मैं हर वक्त खाती रहती हूँ और कोई भी काम मुझसे नहीं हो पाता है, तुम यही बात बताना चाहते हो है ना? नहीं नहीं बूबू, नहीं नहीं, मैंने तो ये बात नहीं बताना चाहता था। हाँ, तुमने यही बात बताना चाहते हो। अच्छा मेरे बूबू बच्ची, अब तुम शांत हो जाओ। तुमने आज व्रत रखी है ना? आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा किसी दूंगा। आओ आओ मेरे पास तो आओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। आज तुमने खाना खाया है ना, मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला रहने दो, नहीं तो मुझे पाप लगेगी। अरे पागल लड़की, कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास तो आ। तुम इतना इनोसेंट क्यों हो बूबू? कुछ भी नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें किसी देता हूँ। तुमने कुछ खाया भी नहीं और अगर मैं किसी भी नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा मेरा बूबू बच्ची? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो ही होगा, मैं तुम्हें अब बहुत सारा किस्सा दूंगा मेरा प्यारा बेबी, मेरा बूबू। हम सबका कितना ध्यान रखती हो तुम, हम सबके लिए तुम व्रत भी रखी हो। तुम बहुत अच्छी हो बूबू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ बूबू कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं भी बहुत लकी हूँ डूडू कि तुम मेरे हस्बैंड हो। क्या तुम सबको हमारी वीडियो पसंद आई है? अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। और अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। अगर तुमने मेरी और डूडू की पिछले क्यूट क्यूट वीडियो नहीं देखे हो तो स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को देख लो।